हाय एवरीवन, कुकु दोपो में आप सबका स्वागत है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो इसमें कुछ ठंडा खाने का हमेशा मन करता है, जैसे कि आइसक्रीम और चॉकलेट। आइसक्रीम तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि बहुत आसानी से बिना मशीन के हम घर पर बनाने वाले हैं। मार्केट से वैसे तो हम खरीद के ला सकते हैं आइसक्रीम, लेकिन उसमें कितना कुछ मिलाया जाता है कलर के लिए, फ्लेवर के लिए या फिर प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन घर पर बनाते हैं तो एकदम प्योर बनता है और इतना महंगा भी नहीं बनता है, सारी चीज़ें आसानी से मिल भी जाता है। ज़रूर देखिए वीडियो के एंड तक, इसमें बहुत सारे टिप्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा बनाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी जो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, साथ में ऑल ऑप्शन पे भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे हाफ कप दूध। यहाँ पे आप कोई भी दूध ले सकते हैं, उबला हुआ या कच्चा, या फिर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। यहाँ पे फुल फैट हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी दूध ले सकते हैं। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि दूध थोड़ा सा गुनगुना हो तो अच्छा है, नहीं तो अच्छे से मिलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा लम्स रह जाता है इसमें। अब मैं ले रही हूँ अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें से मैं आधा कप ले रही हूँ। आप किसी और ब्रांड का हेवी क्रीम भी ले सकते हैं यहाँ पे। साथ में मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी, इसको डाल देंगे इसमें, और साथ में जो मिक्सचर हमने रेडी किया था पहले उसे भी डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम में रखेंगे गैस को, अच्छे से चलाते हुए इसको पका लेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे एक उबाल आने तक, इसके बाद लो पे कर देंगे, क्योंकि कोको पाउडर जो है बहुत जल्दी जल जाता है। देखिए उबाल आने लगा है, अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इससे क्या होगा कि ये गाढ़ा तो हो जाएगा और कोको पाउडर का जो कच्चा स्मेल होता है वो भी निकल जाएगा इसमें से। देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए, देखिए इतना ही चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और एक दो मिनट के लिए इसको चलाते हुए ठंडा कर लेंगे, क्योंकि पैन बहुत गर्म है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 डेरी मिल्क का चॉकलेट, जो 20 रुपये का पैकेट आ रहा है वही पैकेट है, क्योंकि ये इजीली मिल जाता है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे डार्क कंपाउंड डाल सकते हैं या फिर मिल्क कंपाउंड डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोको बटर होता है जो कि बहुत अच्छा बनाता है टेस्ट इसका, इसीलिए मैं ये चॉकलेट डाल रही हूँ। और जो डार्क कंपाउंड मिल्क कंपाउंड होता है तो उसमें वेजिटेबल ऑयल होता है। अगर आप आइसक्रीम का कलर थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं तो यहाँ पर डार्क कंपाउंड ज़रूर डालें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए मिक्सचर, इसके बाद आप इसमें चॉकलेट डालें, बहुत गर्म होगा तो चॉकलेट सीज होकर जल जाएगा। अच्छी तरह से चलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे और इसके बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम एक बोल में थोड़ा सा आइस क्यूब्स ले लेंगे और इसके ऊपर मैं जो दूसरा बोल रख रही हूँ वो भी बहुत अच्छे से ठंडा है। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप क्रीम, जो कि हेवी क्रीम है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, या फिर जो अमूल का क्रीम है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसे अच्छे से ठंडा कर ले, ऊपर से जो उसका थिक पार्ट है वही ले ले, नीचे से थोड़ा पतला सा क्रीम निकलता है वो ना ले। क्रीम को व्हिप करने के लिए इस तरह के बीटर ले सकते हैं, जिससे हम अंडे को बीट करते हैं, या फिर इस तरह की मशीन भी ले सकते हैं आप। आज हम बिना मशीन के बनाने वाले हैं, इसलिए मैं मशीन से नहीं कर रही हूँ आज। मशीन से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, 5 से 7 मिनट में हो जाता है। अगर इससे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट तक लग जाता है। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको घुमाना है, इस तरह से बीट करते रहना है लगातार। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बीटर है ये भी बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए, बोल भी अच्छे से ठंडा होना चाहिए, और थोड़ा सा आइस क्यूब्स नीचे रखना चाहिए। देखिए इस तरह की सॉफ्ट पिक जब आने लगे, थोड़ा सा थिक हो जाए क्रीम, तभी रुक जाना है हमें, और ज़्यादा बीट नहीं करना है इसके बाद। ये देखिए मैंने चॉकलेट का जो मिक्सचर बनाया था उसे फ्रिज में रख दिया था, बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और कितना गाढ़ा हो चुका है। देखिए इसे बहुत अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, अगर रूम टेम्परेचर पर होगा तो क्रीम में जैसे ही डालेंगे तो क्रीम पतला होने लगेगा। हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिला लेंगे, पूरी तरह से मिलने तक। यहाँ पे हम बीटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बस स्पैचुला से इस तरह से मिला लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, इसका जो कच्चा फ्लेवर होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। आप जब 4 चम्मच ले रहे हैं कोको पाउडर शुरू में, वहाँ पर 6 चम्मच ले लें। यहाँ पर आप
थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मैंने जो क्रीम लिया है वो ऑलरेडी मीठा है, इसमें शुगर होता है, इसीलिए मैंने हाफ कप चीनी ऐड किया था शुरू में। अगर आप कोई दूसरा क्रीम ले रहे हैं या फिर अमूल का ले रहे हैं जिसमें कि शुगर नहीं होता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। यहाँ पर इस मिक्सचर को चख लें, जितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कांच का, स्टील का या फिर प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे केक टिन ले रही हूँ, इससे बहुत जल्दी जम जाता है इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि ये मेटल का है। और इसको अच्छे से यहाँ पे रख के सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर एक क्लिंग रैप रख देंगे, थोड़ा सा टच करके आइसक्रीम के सरफेस को लगा लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी मोटा सा प्लास्टिक शीट या फिर दूध का जो पैकेट आता है उसको भी धो के ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं, बटर पेपर लगा सकते हैं, लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए टच करते हुए लगाना है, नहीं तो आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं इसमें। कोई डब्बा आप ले रहे हैं जिसमें लीड है उसमें भी लगाना बहुत ज़रूरी है, इसे लगाने के बाद आप उसका लीड लगाएं। अब हम इसको फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट छोड़ देंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ओवरनाइट मैंने रख दिया था फ्रीजर में, अच्छे से जम चुका है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए बाहर छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक जब हम रखते हैं तो 1 मिनट बाहर रख देंगे तो अच्छे से स्कूप होता है। देखिए कितना क्रीमी और कितना सॉफ्ट बना है, मार्केट से बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ईजी है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार। आज की रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्रीम के बारे में कुछ पूछना है तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।